अस्सलाम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर इनाम दानिश है और मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। हमारे पास जो कार्डिक पेशेंट आते हैं मोस्टली उनका वेट ज़्यादा होता है, तो हम उनसे कहते हैं अपना वेट कम करें। तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब वेट को कैसे कम कर सकते हैं। हम कहते हैं भाई आप कम खाइए। वो कहते हैं डॉक्टर साहब जो हम खाना खाते हैं पेट भर जाता है लेकिन भूख ख़त्म नहीं होती, तो ये क्या मैकेनिज़म है? आज यही हम डिस्कस करते हैं कि ये इसका मैकेनिज़म क्या है कि आदमी खाना खाता है पेट भर जाता है मगर उसकी भूख ख़त्म नहीं होती, उसकी सेटिस्फेक्शन नहीं होती। नाज़रीन, बेसिकली हमारी जो भूख है वो दो हार्मोन कंट्रोल करते हैं। एक हार्मोन जब हम खाली पेट होते हैं, भूख में होते हैं, उस वक्त रिलीज़ होता है स्टमक से, मैदे से निकलता है, इसको हम ग्रेलिन कहते हैं। ये ग्रेलिन हाइपोथैलेमस जो ब्रेन का एरिया है भूख के लिए, हंगर के लिए, एपिटाइट के लिए, उसको जाके मैसेज देता है कि बॉडी के अंदर फूड की ज़रूरत है, जिससे हमें भूख का एहसास होता है। तो खाली पेट के अंदर ये ग्रेलिन रिलीज़ होता है। जब हम खाना खा लेते हैं उसके बाद फिर जो फैट सेल्स हैं, जो चर्बी चिकनाई के सेल्स हैं, उनसे एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको हम लेप्टिन कहते हैं। लेप्टिन भी जाके ब्रेन में हाइपोथैलेमस से कहता है कि बस ग़िज़ा काफ़ी आ गई है, अब सेटिस्फैक्ट्री है, भूख को ख़त्म कर दिया जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो लेप्टिन है होता तो है मगर ये काम नहीं कर रहा होता। जैसे डायबिटिक पेशेंट में इंसुलिन होती तो है मगर काम नहीं कर रही होती, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, इसी तरीके से लेप्टिन रेजिस्टेंस भी होती है कि लेप्टिन मौजूद है, रिलीज़ हो गया खाने के बाद, मगर वो जाके ब्रेन को मैसेज नहीं पहुंचा रहा है, और अगर पहुंचा भी रहा है तो देर से पहुंचा रहा है, इसको लेप्टिन रेजिस्टेंस कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह जो है ओवरवेट होना है, कि जिनका वज़न ज़्यादा हो और जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं उसकी वजह से लेप्टिन रेजिस्टेंस हो जाती है। अब वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पेट भरने के बाद भी भूख का एहसास ख़त्म नहीं होने देती? उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो लो प्रोटीन डाइट है। अगर आपकी डाइट में प्रोटीन नहीं है, गोश्त नहीं है, अंडे नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं हैं, तो प्रोटीन में अगर डाइट कम हो तो सेटिस्फेक्शन नहीं होती। इसी तरीके से लो कैलोरी डाइट है, अगर आपको बहुत भूख लग रही है, आप कुकम्बर खाएँ, खीरा खाएँ, तो भूख ख़त्म नहीं होती। तो जो भी लो कैलोरी डाइट है उनसे भूख ख़त्म नहीं होती। इसी तरीके से लो फाइबर डाइट, अगर हम सब्ज़ी खाएँ या फ्रूट लें या दालें लें, ये सब चीज़ें जो हैं जिनमें छिलका भी होता है तो सेटिस्फेक्शन होती है, लेकिन अगर ये सब चीज़ें नहीं खाएँ, सिर्फ गोश्त गोश्त के ऊपर गुजारा करेंगे तो, या बर्गर वगैरह इस टाइप की चीज़ें लेते हैं, तो फिर ये सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। तो याद रखें कि लो प्रोटीन डाइट, लो कैलोरी डाइट, लो फाइबर डाइट और आर्टिफिशियल स्वीटनर जो हम यूज़ करते हैं, ये भी हमारी उस सेटिस्फेक्शन को पूरा नहीं होने देते। आर्टिफिशियल स्वीटनर जो हैं, जो मीठा करते हैं डायबिटिक पेशेंट के, जो डालते हैं शुगर के तौर पे यूज़ करते हैं, वो भी सेटिस्फेक्शन को ख़त्म करते हैं। इसी तरीके से पानी का बड़ा इशू है कि अगर हम पानी कम पियेंगे तो सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। हाई शुगर डाइट, अगर हम शुगर ज़्यादा लेंगे, नमक ज़्यादा लेंगे, तो कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। स्ट्रेस में लोग बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, स्ट्रेस की वजह से भी यही होता है। अगर स्लीप डिसऑर्डर है, यानी कि रात में अगर सो नहीं पाए हैं प्रॉपरली, आप देखेंगे जब तक हम जाग रहे होते हैं कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं, तो अगर प्रॉपर नींद नहीं ले रहे तो भी ये सेटिस्फेक्शन ख़त्म हो जाती है। इसी तरह कुछ बीमारियाँ हैं, जैसे डायबिटीज़ है, उसके अंदर के हमें ज़्यादा भूख लगती है, थायराइड की प्रॉब्लम है, ज़्यादा भूख लगती है, कुछ मेडिसिन अगर हम ले रहे होते हैं, जैसे एंटी डिप्रेशन है, डिप्रेशन की जितनी भी दवाएँ हैं उनसे सेटिस्फेक्शन ख़त्म हो जाती है, आदमी की भूख बहुत बढ़ जाती है और वेट भी बढ़ जाता है। इसी तरीके से स्टेरॉयड है, जो स्टेरॉयड डेल्टा कॉर्टिल वगैरह हम लेते हैं किसी वजह से, तो उसमें भी इंसान की वो सेटिस्फेक्शन ख़त्म हो जाती है, भूख बढ़ जाती है और वेट बढ़ जाता है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनसे हमारी वो सेटिस्फेक्शन ख़त्म होती है। अब इसका हल क्या है कि पेट तो भर गया, भूख ख़त्म नहीं हो रही, तो भूख को ख़त्म करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप प्रोटीन लें। यानी कि ये एक्सपेरिमेंट किया गया है कि जो लोग सुबह नाश्ते के अंदर अंडे की सफ़ेदी लेते हैं उनको ज़्यादा देर से भूख लगती है बनिस्बत उन लोगों के जो ब्रेड का स्लाइस लेते हैं। तो अब एक तो वेट भी कम होगा और दूसरे ये कि सेटिस्फेक्शन होती, काफ़ी देर तक भूख देर से लगती है उन लोगों को जो अंडे की सफ़ेदी लेते हैं। तो हाई प्रोटीन डाइट लें, हाई फाइबर डाइट लें, यानी कि हाई फाइबर डाइट का मतलब ये है कि आप सब्ज़ियाँ लें, दालें लें और फ्रूट्स लें, बीन्स हैं ये ले लें। तो ये तमाम चीज़ें जिनमें फाइबर, और भी कुछ ना हो तो इसे गोल ले सकते हैं, कि इस पर गोल से भी ये हाई फाइबर डाइट होती है, सेटिस्फेक्शन होती है। पानी का जहाँ तक ताल्लुक है, पानी बहुत कारामंद है सेटिस्फेक्शन के लिए। कहते हैं कि अगर खाना खाने से आधा घंटा पहले दो गिलास पानी पी लें तो आपको काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिल जाती है और भूख का एहसास जो है वो कम हो जाता है। इसी तरीके से कि शुगर कम से कम लें, नमक कम से कम इस्तेमाल करें, और एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो जैसे हमारी
डायबिटिक पेशेंट की शुगर बेहतर हो जाती है, इसी तरीके से एक्सरसाइज करने से हमारी ये भूख भी ख़त्म हो जाती है कि लेप्टिन रेजिस्टेंस जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो वॉक करना, एक्सरसाइज करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसी तरह एक और भी चीज़ कही जाती है कि खाना खाने से पहले आप सूप ले लें, पहले दाल का सूप ले लें, चिकन का सूप ले लें। सूप लेने से भूख कम हो जाती है कि वो सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होती है बनिस्बत उनके जो लोग जो है। ये तमाम चीज़ें आप दोनों चीज़ों पर कारामंद हो सकती है। एक तो ये कि सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि आप खाना खा लिया, पेट भर गया, बस काफ़ी है। और दूसरे इस तरह वेट कम कर सकते हैं। अगर जब तक ये सेटिस्फेक्शन ना हो, आदमी खाता रहता है, उसको भूख का एहसास रहता है, वो कुछ ना कुछ खाता रहता है और उसका वेट बढ़ जाता है। तो ये वेट कम करने के लिए बेहतरीन टिप्स हैं।